सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटराजी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। शिवरात्रि को लेकर पंडितों में मतभेद को लेकर मंगलवार को भी लोगों ने किया शिवरात्रि व्रत। बुधवार को नगर में निकलेगी अनोखे दूल्हे की अनोखी बारात। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा ओवर ब्रिज पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक ने पिकअप वैन में मारी ठोकर। वैन पर सवार दो मजदूर की मौत, चालक घायल। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि गांधी की अर्थनीति को पंडित नेहरू अगर देश में लागू किए होते तो देश में नहीं होती बेरोजगारी की समस्या। गरीब महादलित परिवार को बिना पुनर्वास किए उजारे जाने के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समरणालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। और सदर अस्पताल से उजाड़े गए परिवार के लोगों ने पुनर्वास की मांग को लेकर फिर से सदर अस्पताल परिसर में किया हंगामा। पुनर्वास सुविधा नहीं मिलने पर जगह छोड़ने से किया इनकार। और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। शिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर पंडितों के बीच मतभेद के कारण कुछ लोगों ने मंगलवार को ही शिवरात्रि व्रत रखा। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं बुधवार को भगवान शिव की अनोखी बारात निकाली जाएगी। शिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर पंडितों में मतभेद के बीच कुछ लोगों ने मंगलवार को भी महाशिवरात्रि व्रत किया। इस अवसर को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने दिन भर उपवास रखा, वहीं भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। उधर महाशिवरात्रि के अवसर पर 14 फरवरी को निकलने वाली अनोखी दुल्हा भगवान शिव की अनोखी बारात की तैयारी भी अंतिम चरण में है। पिछले 50 वर्षों से शिव दुल्हा का मौरी बनाने वाले कलाकार राजू शाह इस बार की अपने अन्य सहयोगियों के साथ भगवान शिव का मौरी बनाने में लगे हैं। बाबा का जो है सो रात्रि में जो मौर चढ़ता है ये मौर उसी का है, उसी समय का, करीब जो है सो 66-67 साल से बन रहा है जी। बाबा का मेहरबानी है कि हमारे द्वारा बनवा रहे हैं। बस जी, कितनी श्रद्धा है इसको बनाने को लेकर? बस उनका मेहरबानी है, हमारा कुछ नहीं है। और जो भी बनता है ये उन्हीं के मर्जी के अनुसार जो है तो इसका रूप ढलता है जी। इस बार इस तरीके का उनकी मर्जी है कि ऐसा ही रूप का बने जी। कितना समय लगता है इसको बनाने में? तीन मौरी बनाने में कम से कम 15 दिन लगता है समय जी। तीन मौरी बना रहे हैं, किस टाइप से, क्या इसको कैसे कैसे किया जाए? ये तीन मौरी जो है तो एक सिंगार के रात्रि में सिंगार के लिए है कल का, और एक प्रोसेशन जो प्रोसेशन में गरीबनाथ मंदिर का जो प्रोसेशन निकलेगा उसके लिए है, और तीसरा मौरी जो है एक रमई राम जी के यहाँ जो शंकर भगवान का सरस्वती माता के मंदिर में जो है वहाँ चढ़ता है। उधर 14 फरवरी को निकलने वाली शिव बारात झांकी शोभा यात्रा की तैयारी भी पूरी हो गई है। गोला स्थित राम भजन बाजार आश्रम में मंगलवार को दर्जनों कलाकार शिव जी की अनोखी बारात को सजाने संवारने में लगे हैं। बुधवार को राम भजन बाजार से दिन के 2:30 बजे अनोखे दुल्हा भोले शंकर की अनोखी बारात निकलेगी। ये महाशिवरात्रि महोत्सव का ये अंतिम तैयारी रात है। इस समय हम लोग बाबा की तैयारी में लगे हैं कि पूरी रात 50 से 55 तक जो हमारी झांकियां हैं वो तैयार होगी, और इस बार महा शिवरात्रि महोत्सव पर विशेष रूप से चूंकि भगवान शंकर का शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है तो शिव स्वयंवर की जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, शिव स्वयंवर की जो दृश्य देख रहे हैं इसमें भगवान शंकर पार्वती जी को माल्यार्पण करते हुए आपको साक्षात स्वरूप में दर्शन देंगे, और यह स्वयंवर स्वरूप आपको बिल्कुल साक्षात शंकर और पार्वती का होगा। इसके साथ ही इस महा अभियान में महोत्सव में हमारे बीच इंद्र भगवान एरावत हाथी पर चल रहे हैं, तो हमारे महाकाल महाराज अपने आप तमाम गण के साथ नृत्य करते हुए माँ दुर्गे अष्टभुजी अपने। क्या समय होगा शिव बारात निकलने का? शिव बारात हमारे अपने पौराणिक समय के मुताबिक 1 से 2 बजे तक यहाँ आरती पूजन के बाद प्रशासन, सामाजिक प्रतिष्ठित सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधि, साहित्यकारों, विद्वानों के बीच यहाँ से
उन लोगों को सम्मान करते हुए दीप जलाकर आरती पूजन के बाद 2 बजे यहां से प्रस्थान करती है। सदर अस्पताल परिसर में हटाए गए लोगों ने पुनर्वास की मांग करते हुए सदर अस्पताल परिसर पहुंचकर हंगामा किया। विस्थापित हुए परिवारों ने बसने के लिए जगह उपलब्ध कराने के बाद ही अस्पताल परिसर को से हटने की शर्त रखी है। सदर अस्पताल परिसर स्थित झपसी टोला में अतिक्रमण किए हुए लोगों को हटाने के लिए फिर मंगलवार को एसडीओ पूर्वी मुसहरी बीडीओ सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल बैंक रोड स्थित पहुंची, जहां अतिक्रमण किए हुए लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। लोगों का कहना है कि झपसी टोला में कई वर्षों से रह रहे हैं, पूर्व में भी हटाया गया था लेकिन विस्थापितों को कहीं शिफ्ट नहीं कराया गया। इस बार अहियापुर के शेखपुर ढाब में विस्थापितों को शिफ्ट कराया जा रहा है, जहां वहां के दबंगों द्वारा मारपीट और धमकी दी जा रही है। ऐसे में कैसे जाएं? जब तक प्रशासन वहां सुरक्षा प्रदान नहीं करती है तब तक शेखपुर ढाब में जाना मुनासिब नहीं है। परेशानी यही हो रही है कि हम लोग का बसा बसा घर उजाड़ दिया। पहले बच्चे हम लोग रोड पर है, हम लोग को बोल रहा है प्रशासन की चलिए हम आप लोग का खड़ा घाट ढाब में बसाते हैं। हम लोग का कुछ सबूत दे नहीं रहा है, यहाँ से भी उखाड़ देगा वहाँ से भी उखाड़ देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ भी लोग पहले भी गए हैं, पहले भी गए तो मारपीट के भगा दिया है, बोल रहा है कि आएगा तो दिन तुम लोग का रात मेरा है तो कुछ कर लेगा। और वहाँ पर बहुत सब आदमी वहाँ पर मरने के लिए दौड़ रहा है, बोले यहाँ पर बसेगा तो गोहा तोड़ देंगे, सबको मारेंगे पिटेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि सब वहाँ पर माटी बेच रहा है, काच के अति पेड़ पौधा सब अति करता है वहाँ पर बेचता है, वहाँ पर हम लोग को बसने देगा? ये लोग अभी जाएगा फोर्स के साथ हम लोग को बसा देगा, वह लोग को उजाड़ देगा, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या सोचिए इसको लेकर? यही सोचे है कि आप हम लोग को पर्चा दीजिए, हम लोग को कुछ सबूत दीजिए, लिखन के वक्ता नहीं चलता है। आप परेशानी यही है कि आज से साल भर पहले भी उजाड़ दिया गया, बोला उस दिन क्या आश्वासन दिए कि जो हम आपको बसाएंगे, लेकिन ये साल भर बीत गया आज तक कोई बसा नहीं जाए। जस्ट के तहत जैसे पन्नी उन्नी टान के लोग रहने लगा, फिर कल क्या किया कि 10 तारीख के कि आज आप लोग खाली कर दीजिए, आपको बसा दिया जाएगा फन्ना जगह, लेकिन वहाँ लोग गया कुआं खट गया रात में ही उजाड़ दिया। उसके बाद वो क्या कहता है कि दिन तुम्हारा है रात मेरा है, तो रात में हो सके घर में घुस के गोली मार दे, आगे लगा दे। ये बहुत ऐसी बात है, अगर हम भूमिहीन थे तो हमको राशन कार्ड क्यों बना के दिए आप? हम भूमिहीन थे तो आप मेरा परिचय पत्र यहाँ का क्यों बना के दिए? मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड ये आप मेरा अगर यहाँ का जनगणना का कागज आप खोजिएगा वो भी आपको हम दिखाने के लिए तैयार, यानी कि ये मेरा 3 पुश्त यहाँ बीतने वाला है। हम लोग का यही मांग है कि जब तक या वो अपने से हम लोग को बसाएंगे नहीं बजाबते कागज के साथ तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। दक्षता परीक्षा पास शिक्षकों के वेतन निर्धारण में किए जा रहे भेदभाव को लेकर एसटीईटी और टीईटी शिक्षकों ने डीपीओ स्थापना कार्यालय में के समक्ष धरना दिया। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के तत्वाधान में मंगलवार को जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल झा ने अपने संबोधन में कहा, नगर क्षेत्र मुसहरी पारू सकरा मोतीपुर सहित अन्य कई प्रखंडों में पिछले कई महीनों से शिक्षकों के वेतन की भुगतान अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। यह समस्या प्रखंडों के शिक्षा अधिकारियों की अक्षमता की वजह से हो रहा है। इन समस्या का निवारण जल्द नहीं किया गया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर जिले के कई प्रखंडों की समस्याओं को एक साथ लेकर के डीपीओ कार्यालय में बैठे थे। हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया और एक प्रकार से ध्यानाकर्षण किया कि नगर क्षेत्र सहित मुसहरी पारू सकरा मोतीपुर और आई इन सब जगहों पर शिक्षकों का वेतन कई महीनों से अप्राप्त है। कई शिक्षकों का 2016 से भी वेतन अप्राप्त है। उन सभी मुद्दाओं को हमने उठाने की कोशिश की है। हम लोगों ने आज डीपीओ स्थापना को एक ज्ञापन भी दिया है जिसके माध्यम से सेवा पुस्तिका संधारण सहित वेतन अनियमितता का मामला उठाया है और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई इस सप्ताह के अंत तक तो हम लोग 20 तारीख से आमरण अनशन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। राम मंदिरों को लेकर सांसद ओबीसी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर गोलबंद पर ओबीसी का पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिया गया विवादास्पद बयान के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला शाखा द्वारा भगवानपुर चौक स्थित परिवाद मार्च निकालकर असदुद्दीन ओवैसी का पुतला जलाकर आक्रोश प्रकट किया। जिला संयोजक अंशु कुमार ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा अयोध्या मामले में दिया गया बयान शर्मनाक है। उनके दिए गए बयान विश्व हिंदू परिषद
घोर निंदा करता है और उनके विवादास्पद बयान पर सजा मिलनी चाहिए। AIMIM के संस्थापक असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बयान दिया गया था कि मोहन भारत भरवा है, राम मंदिर को बनने नहीं देंगे और पाकिस्तान समर्थित भी बातें उन्होंने कही। इसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुजफ्फरपुर इसका विरोध करता है लोकतांत्रिक तरीके से और बिहार की सरकार से और केंद्र की सरकार से मांग करता है कि असदुद्दीन ओवैसी का कड़ा से कड़ा विरोध करे, उस पर मुकदमे दर्ज करे और हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के जो प्रतीक है मोहन भागवत जी उन पे जो उन्होंने करारा प्रहार किया उस पर उन पे मुकदमा चले और इसके लिए सभी बजरंगी सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे, हो सके तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि पंडित नेहरू अगर गांधी जी की अर्थनीति को लागू किए होते तो आज भारत में बेरोजगारी नहीं होती। मुजफ्फरपुर केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्याओं को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि गांधी के आशीर्वाद से सत्ता में आए पंडित नेहरू ने गांधी के अर्थनीति को खत्म कर दिया। अगर वे गांधी जी के अर्थनीति को लागू कर दिए होते तो आज देश में बेरोजगारी नहीं होती। श्री सिंह मंगलवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 70 लाख ईपीएफ से नए लोगों को रोजगार मिला है, सरकार की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के प्रयास में लगी है, परंतु बढ़ती जनसंख्या देश की बड़ी समस्या बन गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 141 करोड़ की आबादी वाला देश चीन में एक मिनट में 11 बच्चे जन्म लेते हैं जबकि भारत में एक मिनट में 29 बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार का इस पर भी ध्यान है और सरकार इस अनुपात में देश में रोजगार के अवसर तैयार करने को प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मार्च तक नवादा से सोलर चरखा मिशन योजना लॉन्च किया जाएगा। पूरे देश में इसके 500 क्लस्टर होंगे। हर एक क्लस्टर के टेक्सटाइल सेक्टर में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामसूरत राय सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित हैं। जवाब दिया कि देश में 70 लाख नए ईपीएफ नंबर से साथ रोजगार मिला। रोजगार दो तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हुआ जिसको ईपीएफ नंबर मिला, लेकिन लोगों को जिनको दिखाई नहीं देता है उन्हें क्या पता होगा, देखना पड़ेगा। देश की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज चाइना 141 करोड़ की आबादी का देश है, वो एक मिनट में 11 बच्चे पैदा करते और हिंदुस्तान एक मिनट में 29 बच्चा पैदा करता, जबकि चाइना की पर कैपिटा इनकम हमसे अधिक। चाइना का, हमारे पास दुनिया का 18% आबादी है, जमीन मात्र 2.5%। सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को पुनर्वासित किए बिना उन्हें उजाड़ कर बेघर कर दिए जाने के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समरालय का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल परिसर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को 2 दिन पूर्व हटाया गया था। आज इसी को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समरालय में मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। भाकपा माले का कहना है कि सदर अस्पताल परिसर में गरीब लोग कई वर्षों से रह रहे थे और जिला प्रशासन द्वारा इसे जबरन हटाया गया और इन लोगों को प्रशासन ने विस्थापित भी नहीं किया। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा भाकपा माले के आह्वान पर तमाम भूमिहीनों को बांस की जमीन देने के लिए अभी पूरे बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से वह गठबंधन किया तब से भूमिहीनों पर लगातार हमला जारी है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन सरकार ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, कहा था कि जहां बिहार सरकार की जमीन नहीं होगा वहां जमीन खरीद करके हम तमाम भूमिहीनों को बसाएंगे, लेकिन आज हो क्या रहा है, आज मुजफ्फरपुर के इस शहर में बैंक रोड में जो झपसी टोला है, झपसी टोला जो 50 वर्ष से वहां पर बसे हुए थे और वो कही कि हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में वहां पर जो मैंने कही कि उजाड़ा जा रहा है, जबकि हमने आपके ही मैंने कही कि सिटी न्यूज पर सुना था, मैंने कही कि सिटी न्यूज पर DCLR साहब ने कहा कि पहले जब तक हम नहीं बसाएंगे तब तक नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन यहां से झपसी टोला के लोगों को उजाड़ दिया गया है और शेखपुर में बिहार सरकार की 26 एकड़ 20 डिसमिल जमीन मौजूद है। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा ओवरब्रिज पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक पिकअप वैन से जा टकराई। इस हादसे में वैन पर सवार 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरपुर काटी थाना क्षेत्र के नरसंडा ओवरब्रिज के समीप NH 28 पर मंगलवार को नरसंडा से मुजफ्फरपुर जा रही पिकअप वैन से ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक ने वैन में जबरदस्त ठोकर मारी। इस हादसे में पिकअप वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं वैन पर सवार 2 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक घायल हो गया। उधर घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और चालक को कब्जे में ले लिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची काटी थाना पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटनास्थल से दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। दोनों मृतकों के शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने डंपर ट्रक को जब्त कर लिया है। इस हादसे को लेकर NH 28 पर वाहनों का परिचालन लगभग 1 घंटे तक बाधित रहा। ये एक्सीडेंट हो गई है, बहुत ताजा, जो 2 आदमी स्पॉट है जी नरसंडा में हुई है। अब थाना को भी सूचना दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? यहाँ तो घेर करके इसको रखा गया है, पीछा किया गया है, बहुत स्पीड में आया गाड़ी भाग करके, तो हम लोग पीछा करके रोक के रखा। दो लोग जो मरे वो कहाँ के हैं? मरे हैं अभी हम नहीं बता पाएंगे, स्थानीय लोग जाने के बाद हम बताएंगे। उसको रोकने हम इधर से आ रहे हैं साइड पे, उधर से किस जगह से आ रही थी गाड़ी? मैं पूछ रहा हूँ किस जगह से आ रही थी गाड़ी, ये बताओ। गाड़ी कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था माल? हम इधर जा रहे थे भाई यार। कहाँ जा रहा है? एड्रेस होगा कहाँ जा रहा है गाड़ी? यार उसको भेज दिया, उसको साफ मालूम है यार, मेरे ट्रक ले लिया मेरे साथ में था। कौन था गाड़ी? सन प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला स्कूल के समीप मोहन भागवत का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सेना पर दिए गए बयान को लेकर भगवानपुर चौक पर पुतला जलाया। युवा कांग्रेस का कहना है कि सरसंघ चालक ने मुजफ्फरपुर की धरती पर कलंकित करने का कार्य किया है। उनका वक्तव्य संघ की भारतीय सेना की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है, इसलिए आज हम लोगों ने RSS प्रमुख मोहन भागवत का पुतला जलाया। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है और इसी ऐतिहासिक धरती पर सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत द्वारा इस धरती को कलंकित करने का काम किया गया है और भारतीय सेना का अपमान इसी धरती से किया गया, इसलिए हम लोग इसको प्रतिकार के रूप में उनका पुतला दहन आज हम लोगों ने किया है। उन्होंने सेना का जिस प्रकार उनकी कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह उठाया है और उन्होंने जिस प्रकार उनका अपमान करते हुए कहा कि जिस कार्य को करने में उन्हें 6 से 7 महीना लग जाएगा, अर्थात भारतीय सेना को 6 से 7 महीने लगेंगे, उस कार्य को संघ 3 दिनों में कर सकती है। इसका मतलब संघ में ज्यादा एफिशिएंसी है और भारतीय सेना में कम, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना का न सिर्फ अपमान किया उन्होंने, साथ ही साथ निजी सेना बनाने की चुनौती भी लोकतंत्र में दे दी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Thank you.
your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। की आवाज बनूंगी, आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में, आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल, आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवार्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, Be intellectual by intellectuals। इस विद्यालय में मोंटेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955456278544077116। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603 9006877392 8539857777। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केदारनाथ रोड में नाले से उपटकर सड़क पर बह रहे पानी से उत्पन्न स्थिति ने नगर निगम की कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। नाली के पानी से उत्पन्न जल जमाव स्मार्ट सिटी की तैयारी को भी मुंह चिढ़ा रही है। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन नगर निगम की कार्यप्रणाली बिल्कुल नहीं बदली। शहर कहने को सिर्फ स्मार्ट सिटी है। हम आज एक ऐसा नजारा दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चकित हो जाएंगे। बिना बारिश के ही शहर के हृदय स्थली के सटे हुए सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा है। इस जमे हुए पानी में ही लोग चलने को मजबूर है। इससे भी ज्यादा परेशान केदारनाथ रोड के दुकानदार भी नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित है और कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि कूड़ा सिटी है। 2-3 दिन से नाले का पानी हमेशा लगा हुआ है। हर समय
कोई साफ सफाई आता है? कोई साफ सफाई। आप स्मार्ट सिटी में क्या सोच रहे हैं? सोचेंगे क्या, यही सब समस्या का ही है। कोई समझ में नहीं आता कि स्मार्ट सिटी में हम लोग रह रहे हैं या बहुत आदम काल में। वहीं दूसरी ओर जब सिटी न्यूज की टीम ने नगर निगम के सर्कल इंस्पेक्टर मनोज सिंह से इस बाबत पूछा तो आप खुद जवाब सुन लीजिए। ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, इसका जिम्मेदार दूसरे को ठहरा रहे हैं। मुंह पर जिसके कारण पानी ऊपर गया ना, मच्छर हट्टा के कूड़ा जो लेके फेंका है ना, पहला दिन है, पहला दिन है। हाँ, इधर इधर जो है 6 महीना या साल भर में जब पहला दिन पानी फेंका है, ये हम तीसरा दिन देखे। आप देखे होइएगा, लेकिन हमारे सामने में फेंका, हम जिस समय यहाँ थे सामने में, हमने सामने में फेंका है और फिर हम अपने आगे खुलवा रहे हैं। ये जवाब दही मच्छरहट्टा का कौन लेगा? हम मच्छरहट्टा के जो प्राइवेट लेबर रखता है, अब वो सब तो फेंक दिए देता है नॉलेज। भले ही स्मार्ट सिटी का सपना संजोय मुजफ्फरपुर की जनता रखी हो, लेकिन निगम की लापरवाही इन जनता के ख्वाबों को चकनाचूर कर दी रही है। सिटी न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर जदयू महादलित प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इमलीचट्टी स्थित जिला जदयू कार्यालय में जदयू महादलित प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन अभियान कार्यक्रमों को गति देने तथा इस मामले में महिलाओं द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ विचार विमर्श भी किया गया। इस बैठक में, ये हमारा मासिक बैठक है और इस बैठक में बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को मैसेज दिए हैं, जो हर गांव टोला महादलित टोला में जा करके इसको फैलाना है और सबको जन जागरूकता करना है कि शराब न पिए, शराब पीने से क्या खराबी है, बाल विवाह जो हमारी बच्चियां को कम उम्र में शादी हो जाती है और उस कम उम्र में शादी हो जाने से उनका शरीर कमजोर हो जाता है, पूरा घर का बोझ पड़ जाता है, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाती है। ये सब अपने समाज के लोगों को हम लोगों को कहना है, समझाना है और जन जागरूकता फैलाना है, इसी के संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही टाल मटोल नीति के विरोध में विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बैठक कर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में मंगलवार को परिषद कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव की तिथि निर्धारित करने के मामले में किए जा रहे टालमटोल के विरोध में बुधवार से चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। बुधवार को परिषद के सदस्य काला झंडा के साथ प्रदर्शन करने की घोषणा की है। लोग बैठक कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि का घोषणा नहीं किया जा रहा है, बार बार डेट को बढ़ाना यहाँ के छात्रों के साथ धोखा है और हम लोग से हमेशा कुलपति महोदय ने समय मांगा कि हमको समय दीजिए, हम विश्वविद्यालय को पटरी पर लाएंगे, लेकिन इतने दिनों के बाद भी कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। हम लोग को आशा था कि बिहार विश्वविद्यालय में 11 तारीख को छात्र संघ के तिथि का घोषणा होगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। अतः हम लोग को अब मजबूरन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तथा यहाँ के छात्रों के हक को दिलाने के लिए अब मजबूरन हम लोग को आंदोलन पे उतरना होगा और आने वाले समय में हम लोग किस तरीके से आंदोलन करेंगे, यही आज हम लोग अभी बैठक करके तय करने वाले हैं और यह तय करेंगे कि हमको विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके से छात्र संघ चुनाव करवाना है। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने नई वकालतखाना भवन में बैठक कर मार्च में होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मंगलवार को कचहरी परिसर स्थित वकालत खाना में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। बार काउंसिल चुनाव 2018 का चुनाव प्रचार हेतु एवं चुनाव के दरमियान किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने, जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया प्रभारी के रूप में अधिवक्ता सुधीर ओझा को मनोनीत किया गया। साथ ही पटना में होने वाले बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव में सचिदानंद सिंह की उम्मीदवारी तय की गई। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए। आज मैंने स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए ये बैठक बुलाई है और अपने साथियों से रिक्वेस्ट किया है कि वे इसके लिए मेरी मदद करें। क्या
क्या चुनावी एजेंडा रहेगा खास इसमें? खास रूप से मैं चाहता हूं कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो स्टेट बार काउंसिल के प्रयास से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना करके उसको लागू करवाना चाहूंगा। एडवोकेट्स का पेंशन स्कीम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और किसी न किसी वजह से लागू नहीं हो रहा है, उसको लागू कराने का प्रयास करूंगा। हमारे सबसे अधिक संख्या हमारी 10 वर्षों से अधिक के प्रैक्टिशनर्स की है, उनके बीच एक विशेष ट्रेनिंग की शुरुआत स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से की जाएगी। एक निश्चित अंतराल पर सभी बार में एक सेमिनार की व्यवस्था होगी जिसे कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा और सभी 10 वर्ष से कम के अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको एक स्टाइपेंड की व्यवस्था स्टेट बार काउंसिल की ओर से कराई जाएगी। वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी से जो मिलने वाला मृत्यु लाभ है, रिटायरमेंट लाभ है, उसको भी कम से कम 10 लाख रुपया कराने की योजना है मेरी और मैं प्रयास करूंगा कि उसको लागू कराऊं। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर अग्रणी फाउंडेशन के तत्वावधान में थियोसॉफिकल लॉज में महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दी अग्रणी फाउंडेशन के द्वारा मंगलवार को नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव सोनम सिन्हा ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि भारत की कुल महिला आबादी में केवल 38% महिलाएं ही महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर पाती है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं संगोष्ठी में महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकार पर भी चर्चा की गई। संगोष्ठी अग्रणी माल्या शाही, अजितांश गौर, अजय शाह सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। आज हम सभी दी अग्रणी फाउंडेशन के सदस्य एक जगह एक सभा का हम लोगों ने आयोजन किया है, क्योंकि आज सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म 1889 को 13 फरवरी के दिन ही हुआ था और इसलिए आज के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही भारतीय महिलाओं के उत्थान, उनके स्वाभिमान, उनकी सुरक्षा, उनके विकास के बारे में बात की जानी चाहिए और देश समाज में लोगों तक ये बात फैलनी चाहिए कि कैसे और किस तरह से हम उनका और अच्छा विकास कर सकते हैं, उनका स्वाभिमान उनको बनाए रखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। आज इस सभा में हम लोगों ने अनेक चर्चाओं पर बात करी है, सारे विषयों पर ध्यान दिया है कि कैसे हम महिलाओं को आगे लाएं, वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक, हर स्तर पर हम उन्हें आगे बढ़ाएं और उन्हें प्रेरित करते रहें कि लगातार वो हर क्षेत्र में अपनी गरिमा बनाए रखें। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भारतीय सेना के संबंध में दिए गए बयान को लेकर राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजू नैयर ने मोहन भागवत के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया है। मुजफ्फरपुर राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एम राजू नैयर ने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत द्वारा बीते 11 फरवरी को जिला स्कूल मैदान में आयोजित संघ के बौद्धिक कार्यक्रम में खुले मंच से भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में मोहन भागवत के खिलाफ सीजीएम की अदालत में मुकदमा दायर कराया है। दायर मुकदमे में भारतीय सेना के प्रति खुले मंच से टिप्पणी कर सेना का मनोबल गिराने जैसा अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इसे संज्ञान में लेते हुए 15 फरवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में माननीय सीजीएम साहब के कोर्ट में हमने एक परिवार दायर किया है। परिवार दायर का मुख्य उद्देश्य ये है कि 11 तारीख को ये मोहन भागवत जी ने जब यहाँ उनका आगमन था मुजफ्फरपुर में, तो उन्होंने जिला हाई स्कूल मैदान में उन्होंने अपने मंच के माध्यम से कहा था, बयान दिया था कि हमारी भारतीय सेना पर उन्होंने टिप्पणी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना जंग लड़ने के लिए उसको तैयारी में 6 महीना लगता है, लेकिन हमारा जो फर्जी संगठन चल रहा है वो जो है 3 दिन में तैयार होता है। तो ये बयान जो है उनकी, ये पूरे भारतीय समाज का और भारतीय सेना पर उनका ये टिप्पणी ये घात पहुँचाने का है और हमारे सेना जो उनका एक अलग जो रुतबा है उसको डाउन करने के लिए ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। हमारी जो सेना है, मैं उनको जज्बे को सलाम करता हूँ कि हम लोग को आज जो हम चैन की नींद सो पाते हैं तो वो हमारी सेना का जो है पूरे छड़े जाता है, नहीं तो अगर सेना हमारी अगर
पूरी तौर से अगर खत्म हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान हमारा खत्म हो जाएगा और हमारी सेना जो है वो अपने जान पर खेल के हम लोगों का रक्षा करते हैं, हमारी देश का रक्षा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.